हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? भाई सभी लोग को वेलकम टू न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। भाई मैं आज बताऊंगा यार टूर्नामेंट के बारे में, बिकॉज़ अपने 600 सब्सक्राइबर हो चुके, तो उसके सेलिब्रेशन में एक टूर्नामेंट रखा भाई। तो यार चले शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ भाई, पहले तो भाई डेट और टाइमिंग है ये कब होगा। तो टूर्नामेंट भाई 13 अक्टूबर को है। टाइमिंग है 2 PM से 2:30 PM तक, आधे घंटे का टाइम है। उस बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो टूर्नामेंट को। तो भाई बस यही टाइमिंग है। और फिर भाई और एक और बता देता हूँ आपको, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो भी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हाँ तो भाई देखो यार, ये है मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, मेन सर्वर पर ना यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो टूर्नामेंट का सेक्शन नहीं वाला, यहाँ पर सबसे पहला ही है रजिस्ट्रेशन। बस इसमें आना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना गेमर टैग इधर पर डालना है रजिस्टर करने के लिए। जैसे मेरा गेमर टैग है मिस्टर विशेष, तो बस ये मेरा गेमर टैग है, मैंने इसको डाल दिया। बस ये मेरा गेमर टैग है, तो आप भी अपना गेमर टैग यहाँ पे डालना, बस सिर्फ गेमर टैग डालना बस, और कुछ नहीं, बस इसे डाल देना। और भाई मैं गेमर टैग इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा जीतता है तो उसका नाम ना पूछना पड़े मेरे को, डायरेक्ट मैं इधर से समझो भाई कि इस बंदे का नाम गेम में यही था, तो मैं इसको डायरेक्ट DM कर दूंगा इसके डिस्कॉर्ड पर। मैं DM कर दूंगा डायरेक्ट उसका रिडीम कोड, ताकि किसी को मतलब बोलते ना यार, किसी और फेक बंदा ना ले सके, बोले भाई मेरा गेमर टैग ही है। इसलिए पहले आपको रजिस्टर करना जरूरी है, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको भाई प्राइज़ नहीं मिलेगा, तो इस बात का खास ध्यान रखना। चलो भाई तब बात करते हैं अभी अपना नेक्स्ट गेम रूल के बारे में। तो भाई मैं बता दूँ पहला गेम रूल क्या होगा, कैसा होगा, तो बस देख लो भाई, मैं बता दे रहा हूँ। भाई देख लो, पहले ये स्लॉट्स बनाया, स्लॉट्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 स्लॉट्स है टोटल, यानी 20 लोग टूर्नामेंट्स को खेल सकते हैं। तो भाई पहला रूल तो ये होगा भाई कि 20 लोग ही खेल पाएंगे इसमें, और ऐसा होगा कि पहले 2 लोग फाइट करेंगे, और दोनों में से जिसका भी 2 पॉइंट्स पहले गए, यानी मतलब फाइट करेंगे, खिलोएंगे, और फिर ऐसा 1 पॉइंट मिलेगा, और फिर वापस खेलेंगे, वापस खिलोएंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा। ऐसे 2 पॉइंट जिसके पहले होंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा, जो जिसका 2 पॉइंट पहले नहीं होगा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। रूल तो यही है सेम, और एंड तक ऐसा होगा, एंड में जो बचेगा वो विनर होगा भाई। बस रूल्स के लिए इतना ही है बस। और हाँ मैं बता दूँ थोड़ा आइटम्स का डिटेल कि आपको क्या क्या मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो पहले मैं आर्मर से बात कर लेता हूँ, आर्मर किधर से, तो इधर से भाई देख लेना, आर्मर में आपको नेदर आर्मर मिलेगा, साथ इंचेंटेड मिलेगा, तो आप कोशिश करना कि इंचेंटेड वाला ही आपको मिले। फर्स्ट टाइम में देखो आप इंचेंटेड वाला नहीं मिल सकता, कभी कभी ग्लिच होता रहता है। और ये याद रखना भाई कि हमेशा ये हाथ खाली रखना, ये हैंड हमेशा खाली रखना, ताकि आइटम्स यूज करना, ताकि इंचेंटेड वाला ही मिले। कभी कभी इंचेंटेड वाला नहीं मिलता है तो वापस टैप करके ले लेना यार, मैं ले लेता हूँ। तो 10 पैंट्स भी मिल रहे हैं, हैंड खाली रखना बस, ताकि सारे इंचेंटेड ही मिले। दो भाई मेरे को मिल चुके आर्मर्स। अब देखो मैं आइटम्स पकड़ूंगा ना, तो मेरे को अनइंचेंटेड मिलेगा, देखना देखो अनइंचेंटेड, हैंड खाली रखूंगा तो इंचेंटेड मिलेगा, इस बात का खास ध्यान रखना भाई। और भाई इधर पे फूड में मिलेगा भाई बीफ मटन, तब इससे काम चला लेना। सेकंड है भाई स्वॉर्ड वेपन्स में, और एक्स, ये सभी भी इंचेंटमेंट लगी रहेंगे। कौन सी है वो आई याद नहीं मुझे, आई थिंक कौन सी है, इन्वेंट्री में अनब्रेकिंग है, ओके ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग शार्पनेस 5 डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं अभी। और इस पर भी वही सेम शार्पनेस 5, इसमें भी अनब्रेकिंग रहेगी। यस शार्पनेस 5 डाल देंगे हम लोग, अनब्रेकिंग की जगह पे वो निकाल देंगे हम लोग। और बो रहेगा, बो शायद विदाउट इंचेंटमेंट वाला रहेगा शायद से, चेक कर लेते, नहीं इंचेंटमेंट है इस पर भी, इस पर भी अनब्रेकिंग है, तो बस यही है। और एरो मिल जाएगा आपको 2 स्टैक, बस कुछ ऐसा ही रूल है भाई, बहुत ही सिंपल है। आपको भाई पता मालूम पड़ेगा कि गेम रूल क्या है, कि 2 गेम जीतना है आपको, और उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स से आप कर सकते हो। आइटम्स के बारे में डिटेल मिलेगी, क्या क्या यूज़ करने मिलेगा। और इस बात का खास ध्यान रखना भाई कि आपने इस ये मैं इस इसके बाहर ना जाना भाई, बिकॉज ये जो रैंप है इसके बाहर नहीं जाना है, फाइट के दौरान इसके अंदर ही जाना है। बाहर जाओगे तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इस बात का खास ध्यान रखना। और साइड में मैंने कोई वॉल भी नहीं लगाई, तो ध्यान रखना भाई फाइट के दौरान बाहर ना गिरो आप। और भाई
ऑडियंस के लिए थोड़ी सी बैठने की जगह बना दी यार, इधर लाइन से बैठ के सब देखेंगे टूर्नामेंट्स को, और पीछे इसको इग्नोर मार देना, इसको इसको इग्नोर मारो, वो भी इसको छोड़ दो भाई। बस इतना ही डिटेल्स था। और भाई जितने लोग भाई अभी तक जो भी वीडियो को देख रहे हैं भाई, बता दो यार, मैंने वीडियो के बीच में एक रिडीम कोड डाला है भाई 10 रुपीज़ का भाई, ज़्यादा अमाउंट नहीं है बट क्या करें यार, विदाउट मोनेटाइजेशन इतना वो थे, तो मैंने एक रिडीम कोड डाला इस वीडियो के बीच में, तो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो भाई आपको शायद मिल गया होगा, नहीं मिला तो वापस से ढूंढ लेना, बट मैंने वीडियो के बीच में ही डाला हुआ है रिडीम कोड, तो आप ले सकते हो। और बात करें भाई टूर्नामेंट प्राइस का, तो भाई टूर्नामेंट का प्राइस है 50 रुपीज़ का रिडीम कोड, लेकिन ये किसी एक बंदे को ही मिलेगा, इस बात का खास ध्यान रखना भाई। टूर्नामेंट का प्राइस 50 रुपीज़ का रिडीम कोड है, अगर आपको रिडीम कोड नहीं चाहिए तो आप ऑनलाइन गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही भाई, थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को देखने के लिए, और भाई आई होप यार आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ला लेना भाई, बिकॉज फ्री में मिल रहा है तो क्या जा रहा है यार, मज़े करेंगे फिर तो। चलो भाई तब आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।